मणिपुर में महिलाओं के साथ हृदय विदारक अपराध के विरोध में नगर कांग्रेस कमेटी भागलपुर के द्वारा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का पुतला दहन समाहरणालय भागलपुर के मुख्य द्वार के सामने किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि देश का दिल आज क्रोध और पीड़ा से भरा हुआ है। सरकार किसी भी गुनहगार को बख्शे नहीं, दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। यह घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली है। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसे कभी माफ नहीं किया जाएगा। यह बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। साथ ही प्रदर्शनकारियों में अभय आनंद ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार देश की माताओं एवं बहनों की रक्षा करने के लिए सख्त कदम उठाए और केंद्र सरकार इस्तीफा दे। कांग्रेस नेता अभय आनंद ने मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह पर भी सवालिया निशान खड़े किए और उन्होंने कहा कि उन्हें राजधर्म का पालन करना चाहिए और दोषियों को अविलंब गिरफ्तार कर उसे फांसी की सजा देनी चाहिए। पुतला दहन कार्यक्रम के अवसर पर नगर कांग्रेस कमेटी भागलपुर के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। स्मृति ईरानी को कि अगर आप में रत्ती भर भी शर्म बचा है, अगर आप महिलाओं का सम्मान लेस मात्र बचा है, तो आपको तत्काल गद्दी छोड़ देनी चाहिए और देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि हम देश में हुकूमत करने के लायक नहीं है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि मणिपुर की जो बीजेपी की सरकार है उसे केंद्र सरकार तत्काल बर्खास्त करे और इसमें जो दोषी हैं महिलाओं का जुलूस निकालने के लिए, उनकी इज्जत को तार तार करने वाले, उनके साथ बलात्कार करने वाले जो दोषी हैं उसको तत्काल फांसी पर लटकाया जाए। तभी हिंदुस्तान की आवाम मानेगी कि भाजपा की सत्ता में कुछ भी शर्म बचा है। वैसे हम लोगों को उम्मीद नहीं है, एकमात्र उपाय है कि देश के की जनता एकजुट हो और इस निरंकुश सरकार को सत्ता से बाहर उठाकर फेंके। तभी देश सुरक्षित रहेगा, यहाँ की महिलाएं सुरक्षित रहेगी, महिलाओं की असमत लूटने से बच सकेगा। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सलून लुक सलून। लुक सलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं। तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक सलून अपने इनॉग्रल ऑफर्स के तहत सभी प्रकार की सर्विसेज पर 34% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक सलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। भागलपुर के प्रसिद्ध बाला बिहुला बिसारी का पूजा प्रारंभ हो गया है। मां को छोटी डलिया चढ़ने लगा है। यह पूजा पूरे अंग क्षेत्र में मनाया जाता है। लोगों की इसमें अपार श्रद्धा है। आपको बता दें, इस पूजा का भागलपुर से खास नाता रहा है। ऐसा कहा जाता है कि बाला बिहुला पूजा का चंपा नगरी में उद्भव स्थल है। यहीं से इस पूजा की शुरुआत हुई है। ऐसा कहा जाता है कि मां बिसहरी को सती बिहुला के कारण ख्याति प्राप्त हुई है, जिसके कारण चंपा नगर में भव्य मंदिर व उनकी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि भगवान शंकर की पुत्री बिसहरी ख्याति प्राप्त करने के लिए अपने पिता को बोली। तभी उनके पिता ने बताया कि अंग क्षेत्र चंपा नगर में मेरा एक भक्त चांदो सौदागर रहता है, अगर वो तुम्हारी पूजा करेगा तो तुम्हें ख्याति प्राप्त हो जाएगी। तब माँ बिसहरी क्रोधित हो गई और सौदागर के परिवार को मारने लगी, लेकिन सौदागर ने पूजा करने से मना कर दिया, जिसके बाद माँ बिसहरी क्रोधित हो गई और सौदागर के परिवार को मारने लगी। सौदागर का सबसे छोटा पुत्र बाला लखेंद्र बचा, जिसकी शादी तय हुई, लेकिन कोई क्षति न हो इसके लिए लोहे का घर बनवाया गया। घर में मिस्त्री से मात्र सुई भर का छिद्र रखवाया गया ताकि उससे हवा प्रवेश करे। बाला लखेंद्र की शादी बिहुला से हुई, जिसके बाद दोनों घर में बंद करके सोए हुए थे। तभी बिसारी अंदर प्रवेश कर गई। लखेंद्र को एक मच्छर ने काटा, जिस कारण उसने अपने हाथ को फेंका और बिसारी को लग गया, जिसके बाद बिसारी ने लखेंद्र को काट लिया, जिसके बाद पत्नी बिहुला अपने पति को केले के थंब पर रखकर स्वर्ग यात्रा को निकल गई और स्वर्ग से अपने पति के प्राण वापस लेकर आई। तभी से अंग क्षेत्र में इसकी पूजा होने लगी। कल
17 तारीख से 17 जुलाई से प्रारंभ हो गई। ये आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी पूजा है और अभी एक मास तक महीना तक पूजा चलते रहेगा, विधिवत पूजा होती रहता है। कल बारी कलश का पूजा 17 जुलाई को प्रारंभ हुआ। 16 जुलाई को जो गंधोक पड़ा, कुम्हार के घर में जाके मिट्टी का कलश में पूजा पाठ, पूजा अर्चना, उनको निमंत्रण देना, उसके बाद पुनः वहाँ से जलते हुए दीपक यहाँ आते हैं मंदिर में। मंदिर में खाली वेदी का पूजा होता है, ठीक है। ये 16 जुलाई का था। 17 जुलाई में फिर पुनः यहाँ पूजा पाठ, पीतल का कलश स्थापित हो करके पुनः कुम्हार के घर में शाम में जा करके ढोल बाजा, हजारों सैकड़ों नर नारी सब जाते हैं और उनकी भावनाओं को देखते हुए मन सबकी माता रानी मुरादें पूरा करती है, इसलिए उनके ज़्यादा से ज़्यादा असर है और ज़्यादा आस्था है। और ये आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा महत्व पूजा है। अब पूजा अभी 17 अगस्त को भव्य पूजा माँ मनसा देवी का पूजा होगा, उसमें भी 16 अगस्त को मंजूषा में गंधोक पूजा होगा, फिर 17 तारीख को डलिया चढ़ेगा, 5 बजे सुबह जनता लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए माता का पट खोल दिया जाएगा, जो हजारों सैकड़ों श्रद्धालु आएंगे, डलिया चढ़ाएंगे, माता से मुरादें मांगेंगे। माता रानी अच्छा से अच्छा मुरादें पूरा करती है उनका। सावन का पावन महीना चल रहा है। सावन महीने में एक तरफ जहां श्रद्धालुओं का जत्था सुल्तानगंज से वैद्यनाथ धाम की यात्रा कर रहा है, वहीं भागलपुर से भी 108 श्रद्धालुओं का एक जत्था बासुकीनाथ धाम रवाना हुआ। भागलपुर की रणा भक्त मंडली द्वारा भव्य यात्रा निकाली गई। बरारी गंगा घाट से जल लेकर कांवरिया स्थानीय गोकुल गार्डन पहुंचे, जहां से पूजा आरती कर मुख्य बाजार भ्रमण करते हुए बासुकीनाथ धाम के लिए रवाना हुए। ये सभी कांवरिया 7 दिनों में बासुकीनाथ धाम पहुंचेंगे। 13 वर्षों से रणा भक्त मंडल कावर यात्रा निकाल रही है। याराना भक्त मंडल के 108 कावड़िए आज बाबा बासुकीनाथ को जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस ढंग से बाबा के जयघोष के साथ सभी कावड़िए एक ही लिबास में राजस्थानी पगड़ी बांधकर बाबा की जयघोष के साथ याराना भक्त मंडल आज बाबा बासुकीनाथ को अरदास लगाने जा रहा है। और बिहार सरकार से हमारी ये मांग है कि जो 4 लेन पुल बन रहा है और 4 लेन सड़क जो भागलपुर से हल्दिया बन रही है, उसके समांतर एक कच्ची सड़क भागलपुर से बासुकीनाथ जाने वाले कांवड़ियाओं के लिए बिहार सरकार उपलब्ध कराए, इसकी हम मांग करते हैं। हम लोग एक हफ्ता की यह यात्रा है, पूरे रास्ते भर लोगों को अविरल गंगा निर्मल गंगा के लिए, स्वच्छ भारत अभियान के लिए, यह पूरी टीम जागरूकता अभियान के साथ बाबा का जयघोष करते हुए जाएगी। ये 2011 से लगातार यह यात्रा निकल रही है और यह यात्रा का उद्देश्य सीधा साफ है। इस यात्रा के उद्देश्य सभी का मंगल हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया के उद्देश्य के साथ जा रहे हैं। 108 कावड़िया है, 150 लोगों की ये पूरी टीम है, सारी व्यवस्था के साथ डीजे नगाड़ा के साथ बाबा बासुकीनाथ जाएंगे। स्मार्ट सिटी के लिए भी कोई कामना हो? भागलपुर स्मार्ट सिटी के लिए कामना हम 2011 से लगातार कर रहे हैं कि भागलपुर स्मार्ट सिटी जो केंद्र सरकार की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने दी है, उस पर इम्प्लीमेंट अच्छे से हो, इसकी भी हम बाबा से अरदास लगाने जा रहे हैं। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 के रहने वाले मोतीलाल साह पिछले 2 महीने से जिले के वरीय पदाधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। दरअसल मोतीलाल साह 2014 में परवत्ती में अपनी दुकान को भाड़े पर वर्तमान पार्षद रंजीत मंडल को 5 सालों के लिए एग्रीमेंट कराकर दुकान भाड़ा के लिए दिया था, लेकिन 2019 में एग्रीमेंट समाप्त हो जाने के बाद ना तो रंजीत मंडल के द्वारा उन्हें किराया ही दिया जा रहा है और जब दुकान खाली करने की बात उनके द्वारा की जाती है तो उन्हें धमकी दी जाती है, जिसको लेकर वो जिलाधिकारी से लेकर वरीय प्रशिक्षक और क्षेत्र के उप महानिरीक्षक कार्यालय के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन आज तक कोई हल नहीं निकल पाया। वहीं वार्ड पार्षद के द्वारा उन्हें धमकी दी जा रही है कि दुकान को वो भूल जाए। वहीं अभी भी पीड़ित जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर पुलिस के वरीय पदाधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि पीड़ित को कब तक न्याय मिलता है। मामला क्या हुआ है भाई? 14 से लिया है। कौन? रंजीत मंडल। कौन है रंजीत मंडल? वार्ड कमिश्नर। कहाँ का? परवत्ती 13 वार्ड। हाँ, उसका लिया तो क्या हुआ? क्या वह स्क्रीन फैक्ट्री खोला है? हाँ। वह खाली निकल रहा है। क्या कहता है अब? अब कहता है कि हमारा बाप का है। हाँ। अब आपका नहीं है। हाँ। यहाँ से हमरे भगाता है। आप ही भगाता है? हाँ। मकान आपका? हाँ। और वही कहता है कि हम रहे बाढ़ कमिश्नर हो गए,
अब डीएम तलक नहीं खाली करा सकेगा तो तुम का है रे, यही बोल रहे पहले नाना नाना करता था, अब नाती बोलता है, हमरे नाती। हाँ, भागलपुर में जल संकट गहराता ही जा रहा है। एक तरफ जहां तपती गर्मी और उमस से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है, वहीं पानी के लिए भागलपुर के सभी वार्डों के लोग त्राहिमाम हैं। पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 50 और 51 के लोग कमिश्नर कार्यालय के पास अपनी मांगों को लेकर पहुंचे, लेकिन कमिश्नर के नहीं रहने के बाद सभी आक्रोशित लोग नगर निगम में अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि मानिकपुर दुर्गा स्थान में एक महीने से बंद पड़े मोटर को लेकर वहां की जनता काफी उग्र थी। वहीं कमिश्नर और नगर निगम कार्यालय से लोगों को आश्वासन मिला है कि जल्द इसका निदान किया जाएगा, तब जाकर लोग माने और वापस लौटे। अब सवाल यह उठता है कि अगर शहर में मूलभूत सुविधाओं की कमी हो, जिसमें बिजली पानी से लेकर कई चीजें हैं जो लोगों के रोजमर्रे की जिंदगी में काम आते हैं, वह अगर प्रशासनिक तौर पर ढंग से उपलब्ध नहीं होगा तो जनता का त्राहिमाम होना और आक्रोशित होना जायज है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक लोगों को पानी पीने के लिए मिल पाता है। इसका घेराव नहीं किया गया था। बात यह है कि 2.5 महीना पहले मानिकपुर दुर्गा स्थान स्थित जो स्टेट बोरिंग है वो किसी कारण से मोटर जल गया था, और उसके बाद जो वो मोटर निकालने के बाद जो है यहाँ से जो कर्मचारी के द्वारा मिस्त्री भेजा गया उसको सही ढंग से, उसमें जो जला गिरा हुआ था उसको सही ढंग से निकालने का कोशिश नहीं किया गया, जिससे और अंदर जो है जो रस्सा यहाँ से लग गया था वो और भबर गया। वो और परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, 800 घर को पानी 4 टैंकर से नहीं पूर सकता है। तो नगर आयुक्त महोदय बहुत अच्छा काम किया, 15 तारीख को स्टेट बोरिंग को जो है ये पास कर दिए हैं, 1 महीना के अंदर स्टेट बोरिंग घर जाएगा। तत्काल पुराना जो बोरिंग है उसमें तत्काल 10 HP का मोटर डलवा जाए ताकि आम जनों को पानी तत्काल 1 से 1.5 महीना मिल पाए। आश्वासन बोले नगर आयुक्त महोदय और नगर आयुक्त महोदय सिटी महोदय के द्वारा कि आज पुराना जो बोरिंग है उसमें 10 HP का मोटर गिराएगा और 2 महीना उसे पानी दिया जाएगा, उसी बीच में आप नया बोरिंग हो जाएगा। हम लोग भर 2 महीने से पानी का एकदम भयंकर कष्ट में जिए, अब जी रहे हैं और अब हम लोगों को धैर्य नहीं रहा। किसी का हाथ टूट गया, कोई पिछड़ के गिर गया, किसी को पानी, एकदम वृद्ध आत्मा सब है। इतने लोग हमारे समाज में जो पानी का प्रचुर मात्रा में कष्ट है। निगम का 4 टैंकर आता है जो कुछ लोगों के घर तक जाता है और उसमें भी मारपीट होता है, उसमें भी मारपीट होता है। महिला पुरुष जो इज्जत प्रतिष्ठा हम लोग के समाज में है वो नहीं रहा। 2 महीना से कष्ट में है हम लोग। आज जब हम लोग आए तो अपनी समस्या सुनाए, इन्होंने आश्वासन दिया है। हम लोग 2 वार्ड में हैं, वार्ड 51 वार्ड 50, 700 घरों में पानी, वो 50 साल का बोरिंग जो है वो डेड हो गया है, उससे हम लोग किसी तरह पानी लेकर के अपने प्याओ के माध्यम से ले रहे हैं। आज जो नगर निगम में घेराव किए तो पहले ये आश्वासन दिया कि आज का आज हम लोग बोरिंग उसमें डलवाएंगे, आप लोगों को पानी देने का। बहुत ज्यादा परेशानी है, पूरे 50 नंबर वार्ड और 51 नंबर को वो जलापूर्ति होती थी उस बोरिंग से कम वहाँ पे 800 घर का अभी चूल्हा नहीं जल रहा है। यही कह सकते हैं कि बिना पानी के आप चूल्हा नहीं जला सकते, इतनी बड़ी समस्या है। आम जनता को ना पता से नहीं हो पाया। बार बार यहाँ से निगम से आश्वासन दिया जा रहा था कि अब होगा, लेकिन जनता जब जागी तब सवेरा। वार्ड 50-51 में दुर्गा स्थान मानिकपुर में जो बोरिंग है अगले 2 महीने से खराब है, इसके लिए हम लोग मतलब यहाँ पे रखाया भी गया था प्रस्ताव, उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई, इसके लिए घरा हुआ गया है। हमारे वार्ड पार्षद से भी मिले, वो बोल रहे हैं कि नया होगा, 2-3 महीना का समय मांग रहा, तब तक हम लोग पानी के लिए क्या करेंगे। ये समस्या तो रखी हुई है, इसीलिए सभी का कहना है समाज का कि जो पुराना है उसको तत्काल ठीक किया जाए, 2-3 महीना ही रहेगा तब तक नया का निर्माण हो जाए। बहुत ज्यादा बच्चा सब स्कूल जाना बंद है, पानी लाते लाते फैमिली में सबका तबीयत खराब है। और क्या सर तो बोल रहे हैं कि फील्ड में जा रहे हैं, देखेंगे वहाँ जाने के बाद सर क्या बोल रहे हैं, अब तो सर का निर्णय होगा कि आज ठीक होगी कि कल ठीक होगी। नहीं अगर होगा तो सड़क जाम होगा। लोग आए थे वहाँ पे, एक डीप बोरिंग खराब हुई है, उसको पुनः जो है सो हम लोग जांच करते हैं तुरंत ही, और जांच करके जो है उसमें कुछ फंस गया था, वो निकासी नहीं हो सका। हमारे टेक्निकल टीम भी जो है रिपोर्ट दिया है,
पुनः हम लोग जाते हैं, अब तो लेयर भी जो है से ऊंचा ऊपर में आ गया है, हम लोग पुनः मोटर उसमें डाल करके उसको जल्द से जल्द चालू करा करके इन लोगों को पानी देने के काम करते हैं। अभी तत्कालिक रूप में हम लोग टैंकर के द्वारा जो है से पानी जनता को दे रहे हैं। धन्यवाद। पानी की समस्या से इसके लिए क्या किया जा रहा है? प्रत्येक वार्ड में पानी की समस्या नहीं है, जहां अगर पानी की समस्या होती है तो हमारे यहां टैंकर उपलब्ध है, उसे हम लोग पानी देते हैं। बाकी सारे जो है सो हम लोग रिपेयरिंग करके पाइपलाइन बढ़ा करके हम लोग जनता को पानी दे रहे हैं। सभी वार्डों में पानी की स्थिति ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुल्तानगंज प्रखंड में वर्षा नहीं होने पर किसानों के धान का बिचड़ा बर्बाद हो रहा है। भीरखुर्द के किसान विवेकानंद ने बताया कि बरसात नहीं हुआ है जिससे धान का बिचड़ा बर्बाद हो रहा है। खेतों में पानी नहीं होने के कारण पूरे इलाके में धान का बिचड़ा बर्बाद हो गया है। किसानों में काफी मायूसी देखी जा रही है। कमरगंज पंचायत में लघु सिंचाई के द्वारा गंगा से जल लेकर खेतों में पानी के लिए लिफ्ट इरिगेशन प्लांट लगाकर सिंचाई का प्रबंधन होने पर प्लांट के चौकीदार ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व अच्छी तरह से चलता था, लेकिन ट्रांसफार्मर खराब होने पर प्लांट बंद हो गया, जिससे किसानों के खेत में पानी नहीं जा रहा है, जिससे किसानों का धान का बिचड़ा बर्बाद हो रहा है। इसको लेकर विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने किसानों का फसल बर्बाद ना हो इसके लिए किसानों को समय पर पानी की व्यवस्था करने के लिए विधानसभा में भी आवाज उठाई गई थी। वहीं विधायक ने दूरभाष पर बिजली विभाग के अधिकारी, लघु सिंचाई विभाग के अधिकारियों एवं लघु सिंचाई मंत्री को अवगत कराते हुए जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की बात कही है, जिससे किसानों का फसल बर्बाद ना हो। लाइन तीनों फेज 3 साल से पहले चलता था, 3 साल पहले जैसे कि SDO साहब थे चलाए और इरिगेशन उगेशन किसान लोग नहीं दिया, जब तक चला, फिर आज 6 महीना पहले ट्रांसफार्मर जल चुका है, सब चीज़ SDO साहब से अरुण बिजली विभाग के जो हुआ जो देख रेख करते हैं उनसे दोनों के सबके सामने बातचीत हो गया है, लिखा पढ़ी सब होल है। नया योजना विधानसभा में क्वेश्चन उठा था, मंत्री जी जवाब दिए थे, नया योजना पास हो चुका है, ऊपर से दबाव मिला है, पास हो चुका है, अब टेंडर फेंडर होगा। हम लोग के जैसा आदेश होता है, हम चौकीदार हैं, हम देख रेख करते हैं, ऑपरेटर थोड़ी है। क्या गंगा पंप का नहीं, लघु सिंचाई विभाग है का, ERP सेट कमरगंज में। इससे कितने लोगों को सिंचाई के लिए फसल में बोर्ड लगा हुआ है इसमें पूरा? हाँ, ये आज से ना बहुत पहले ही से सरकार इसका जो क्षमता है वो लगाए हुए है, लिखा हुआ है, जाके देख सकते हैं। है नहीं, सिंचाई के लिए हमने डिमांड किया नीतीश कुमार से, इधर भी जो आप सुने होंगे कि सभी MLA से एक एक करके मिले हैं, उसमें हमने उनके सामने एक प्रमुख मांग रखा है कि गंगा जल को लिफ्ट करके अगर रेलवे के दक्षिणी भाग में उस जल को आवंटित कर दिया जाए तो सुल्तानगंज ही नहीं, अमरपुर, बेलहर और तारापुर के भी किसान मैंने पानी की समस्या से अपने आप को मुक्त पाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है, इस पर हम बात करते हैं विभाग से और इस पर हो सकता है कि कार्रवाई हो, ऐसा मुख्यमंत्री द्वारा हमको आश्वासन मिला है। हमने इस समस्या को पहले उठा दिया किसानों की समस्या को, और इसके लिए जैसे सरकार अनुदान देती है, भगवान ने क्या अनुदान की स्थिति आवे वैसे किसान को अनुदान दिया जाए। हाँ, और दूसरी बात है, जहाँ तक कमरगंज की बात बोले, लिफ्ट इरीगेशन की बात, गत विधानसभा में इस समस्या को हमने उठाया था प्रमुखता से, और लघु सिंचाई विभाग के जो मंत्री हैं जयंत राज जी, उनके साथ बहस भी हुई, उन्होंने कहा इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और वहाँ के मोटर का पावर बढ़ा रहे हैं, जिससे केवल कमरगंज ही नहीं और भी 10-12 पंचायत कम से कम उससे सिंचाई हो जाए, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था उस वक्त। ये आप भी देखें, उस वक्त हमने आप लोगों को भेजा था। और फिर हम बात करते हैं, अभी आपके सामने हमने सुचिन से बात किया सिंचाई विभाग से कि भाई वर्षा का स्थिति क्या है, आप देख रहे हैं अब किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, बल्कि एक गाँव कमरगंज को भी नहीं मिल रहा है, इसलिए कि वह बंद है, उसको यथासंभव यथाशीघ्र जल्दी स्टार्ट करवाइए,
और अभी अभी बिजली विभाग के SDO से भी बात हुई थी, कमरगंज के कुछ किसान उनको फ़ोन किए थे कि उनके कृषि फीडर में भी बिजली ठीक से नहीं जाती, तो हमने किसान SDO को कहा कि देखिए किसान के जो फीडर है सिंचाई वाला फीडर उसमें आप बिजली निर्बाध दीजिए, इस सरकार का ये योजना है, इससे क्या होगा कि सरकार अपनी मान किसान अपनी बिचड़ा को बचा भी लेगा। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शंकरपुर चवनिया दियारा में कुछ बदमाशों ने मिलकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। पूरा मामला सूद के पैसे के लेन देन को लेकर बताया जा रहा है। घायल युवक की पहचान शंकरपुर निवासी 23 वर्षीय रविंद्र कुमार के रूप में हुई है। मामले को लेकर घायल के भाई सहेंद्र मंडल ने बताया कि उनके भाई ने मवेशी का इलाज कराने को लेकर पास के ही क्रांति मंडल से 20,000 कर्ज के रूप में लिया था। हालांकि पैसे लौटाने की बात 6 महीने में कही गई थी, लेकिन जब उसने सूद समेत 60,000 लौटा दिए तो क्रांति मंडल ने दबंगई दिखाते हुए और पैसे की मांग करने लगे। पीड़ित के भाई ने बताया कि लेनदार घर पर आते थे और घर वालों से अभद्र तरीके से बात भी करते थे। एक बार तो उन लोगों के घर से भैंस खोलकर ले जाने की कोशिश की। हालांकि परिवार वालों ने बकाया पैसा लौटा देने का अनुरोध किया, लेकिन आज दिन में कांति मंडल अपने दो सहयोगी धर्म मंडल और कुंती मंडल के साथ आया और उसने रविंद्र की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वो जख्मी हो गया। घायल युवक के भाई ने बताया कि 20,000 का सूद उसने 60,000 रुपए दे दिए हैं, मूल रुपया भी बकाया नहीं है, लेकिन कांति और 40,000 रुपए की मांग कर रहा है, जिसका विरोध करने पर यह पूरी लड़ाई हुई है। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने नाथनगर थाने में लिखित आवेदन देकर केस दर्ज किया है और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। कौन थी मंडल से? हाँ, तो उसके बाद 6 महीना के बाद बोला कि सूद पे पैसा दिए हैं, तो बोला तो फिर उसको दिए 60,000 रुपया दिए, 20,000 का 60,000 दिए, फिर मैं मानने लगा तो फिर भैंसिया खोलने के लिए चल गया। वहाँ से मेरा छोटा भाई बोलने बाजने लगा तो फिर मारपीट किया है मेरा छोटे भाई से।